ਸਿਆਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਕੀ ਹਮਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਦੇਖੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਕਾ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਐਟ ਦ ਟੌਪ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਕੋ ਮੈਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਪੇ ਦੇਖ ਛੋੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨਿਆ अभी सुबह 7 बजे हैं 7:02 हुए हैं और वैसे तो आज हफ्ते का दिन है दुबई सारा सोया हुआ है क्योंकि कल रात 1:30-2 बजे तक तो सड़कों पर रश था और ये जो सफ़र अगर मैं करता वर्किंग डे में अल रात से दुबई मॉल तक का तो इसमें मुझे 40 से 50 मिनट लगने थे जो कि अब हार्डली मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट लगेंगे दिन हो या रात शेख जायद रोड हर वक्त ही स्टनिंग व्यूज़ देता है कहा जाता है कि इस लिमिटेड एरिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स मौजूद हैं ये जो आप ट्विन बिल्डिंग देख रहे हैं ये बेसिकली सिंगापुर की एक बड़ी फेमस बिल्डिंग है ये उसका रेप्लिका बनाया गया है हमें लोअर ग्राउंड फ्लोर पे उतारा है गाड़ी वाले ने मेन एंट्रेंस के पास अगर तक किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से हमें सीधा जाना पड़ेगा मैंने थोड़ा सा लेट हो गया था मैंने बेसिकली ये पैकेज लेना था सनराइज वाला कि आप उसके 125th फ्लोर पे या 149th फ्लोर पे ऊपर जाते हैं और वहाँ से आप सनराइज़ का नज़ारा लेते हैं लेकिन वो सुबह 5 बजे का टाइम था और उसके लिए आपको रात 3:30 बजे उठना पड़ना था 3 बजे मैं सोता था इसलिए फिर मैंने वो नहीं लिया उससे अगली स्लॉट मैंने बुक करवाई है 8:30 बजे पर वो देखें ब्लू कलर का लिखा हुआ है एट द टॉप बुर्ज खलीफा यहाँ पर हमने पहुँचना है अच्छा सज्जा थो ये आ गया है फूड हॉल और फूड हॉल से खबे हाथ पे होगा वो लिखा हुआ है पिलर पे हजरात ये सेंटर वाले पिलर ये देखिए इधर भी लिखा हुआ है मतलब कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर है और इजी है कोई एडा वड्डा काम नहीं है अच्छा सामान लग जाए सही हमें जाना है ऑनलाइन टिकट परचेज वाली लाइन में स्काई टिकट होल्डर ये एक पैकेज होता है उनकी लाइन लैदा है साड़ी लाइन है इन्हें सानू इंज टुरा टुरा के मार देना मैं लग रहा था शनाख्ती कार्ड बनवाना आ गए हैं आगे चल के बायोमेट्रिक्स भी होनी है टिकट हमारी हो गई और चेक इन भी हो गया और हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गई उनके से जाना है हजरात प्रैंक हो गया बुर्ज खलीफा की हमने टिकट बुक कराई थी तो यह क्या बुर्ज खलीफा ये यहाँ पे बुर्ज खलीफा साहब ने अपना तारुफ करवाया हुआ है ए तो जीरो होके पढ़ लेना ये पूरी एक गैलरी में से आप गुजर के जाते हैं जिसमें बुर्ज खलीफा की एक्सकेवेशन सुपर स्ट्रक्चर स्टार्टेड ग्रे स्ट्रक्चर और सारे जो लेवल बने थे 40 लेवल 50 लेवल उसकी सारी की पिक्चर्स लगाई गई हैं ये देखें 2007 में इसके 100 लेवल पूरे हो गए थे ये देखें वर्ल्ड लेवल 150 वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर तो ये इसके जो है ना डिफरेंट फेजेस ऑफ स्ट्रक्चर वो बताए गए यहाँ पे वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी मैंने भी इसकी इतनी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है कि मैं उन आप आवे के बना लूँ वैसे आप गल दसा अरबी भी चैम ही बड़े हैं कोई काम कुम नहीं किया इन्होंने आहो नहीं आहो वाला हिसाब है ये इसकी फ़ोटो गैलरी बनी हुई है इसकी मेकिंग के जो मराहिल थे उसमें जो तस्वीरें ली गई हैं लेबर्स की वो और किसी अहम दिन की तस्वीरें भी फ़र्ज़ करो जिसने लैंडर पाना सी
उस दिन की भी लगाई गई है। ये बताई गई है किस तरह से इसकी बेस को फिल किया गया, स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, तो ये उसके प्रोसेस है स्ट्रक्चर। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर तक जाने वाली लिफ्ट भी दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट है, जो तकरीबन 60 सेकंड में आपको 124th फ्लोर पर पहुंचा देती है। तो वैसे किसी ने गाइड वगैरह कोई नहीं किया, हम लोग ऑब्जर्वेशन डेक पे आ गए। पता नहीं रास्ता में उतर जाना कि नहीं जाना, पूछ लवांगे। आप जब लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट होंगे तो आपको शेख जायद रोड का ज़बरदस्त किस्म का एक नज़ारा देखने को मिलता है। और पूरी आपकी जो स्काई लाइन है वो यहाँ से नज़र आती है। लोग ज़्यादातर ऐसे लिफ्ट से निकलते सामने चले जाते हैं, लेफ्ट साइड पे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है वो हैवी सीन है। ये फाउंटेन डांस जो होता है वाटर शो, यहाँ से नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ से आपको जो राइट लेफ्ट बिल्डिंग है बिल्कुल छोटी छोटी लग रही हैं, हालांकि ये भी हाई रेंज पूरे स्काई स्क्रैपर्स हैं, 60-70 मंजिला, लेकिन हम क्योंकि अब 100+ खड़े हुए तो हम सारी छोटी ही लगनी हैं। इस फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट है और इसके पीछे छोटी सी शॉप है जहां से आप बुर्ज खलीफा के सुवेनियर्स और दुबई कल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अच्छा जी, ये साथ ही इन्होंने शॉप बनाई हुई है, बुर्ज खलीफा के सुवेनियर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे कप हैं, की चेन्स हैं और वॉलेट्स हैं, देखें जिसके ऊपर बुर्ज खलीफा बना हुआ है। ये सुवेनियर शॉप है और लोग यहाँ से शॉपिंग कर भी रहे हैं, ये देखें। फ्लोर से वापस आए तो लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद ऊपर जाने के लिए लाइन में लगी थी। ये दुबई मॉल के साथ कनेक्ट करते हैं और उतां को निकल जाते हैं और बादलों की तरफ पहुंच जाते हैं। ये जो फाउंटेन डांस होता है जहाँ पे ये एरिया, यहाँ से लोग एक मस्त पिक्चर है आपकी जब दुबई विजिट की वो खींचते हैं। और इसमें वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपके मोबाइल में वर्टोरामा की ऑप्शन मौजूद है ना तो उससे आप इस तरह की तस्वीर ले सकते हैं बगैर झुके हुए और विंगे चिपे हुए। वर्टोरामा यूज़ करते हुए सिंपल सी एक तस्वीर खींच लें और आपका सारा बुर्ज खलीफा इसमें पूरा आ जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ दुबई मॉल से निकल के, थोड़ा बाहर आया था कि बाहर से भी व्यू ले लें पानी को फोरग्राउंड में रखते हुए। कहीं ना कहीं से बुर्ज खलीफा लचकारे मार रहा होता है,
क्योंकि इस वक्त सनराइज हुए 2 घंटे हुए हैं, इसकी ग्लेयर कहीं ना कहीं से आती रहेगी। ये बड़े खूबसूरत व्यू होता है। ये दुबई मॉल की एक्सटेंशन है जो मिलती है यहाँ के बुर्ज खलीफा के साथ। और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये 5 गाइज का जो बीफ बर्गर है बड़ा फेमस है, अभी मैं खावाँगा। ये तो सुबह का टाइम है और एंट्रेंस भी यही है, मेन एंट्रेंस यही है। और सामने आप देख रहे हैं सोकल बाहर, यहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं जब इसका होना होता है फाउंटेन डांस शो। अभी रश कम है और बड़ा ही सीरीन व्यू दे रहा है। ये सारा जो लॉबीज हैं आप देखें, खाली है, ये पाथवे सारा खाली है। वैसे जितनी को आज के एपिसोड की आपको मैं बात बताऊं, जितने को मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बुर्ज खलीफा पे देख छोड़ी है ना, मैं आप ही बना सकता हूँ, मुझे लगता है एक बुर्ज खलीफा नया। दुबई माल रात को पूरी तरह से जागता है, इसलिए अभी चल के नाश्ता करते हैं और थोड़ा रेस्ट करके शाम में ही वापस आएंगे। दुबई क्रीक जो है उसके अलसीफ एरिया में हम लोग नाश्ता करने आए हैं। ये मुझे लोकेशन बड़ी अच्छी लगती है, अलसीफ। मैं अक्सर शाम यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ। और सामने जो है वो डेरा है, इस वक्त हम बर दुबई में, और पीछे इसके है शाही इस ख़ानदान का जो पहला एरिया था वहाँ पे, सारा इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, म्यूजियम बनाए हुए हैं। नाश्ता हम यहीं पर करते हैं। और ये जो होटल है मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं यहाँ पर तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। इस वक्त 10 बजे हैं और मैंने प्लेटर लिया नाश्ते का, उसमें हुमस भी है, अंडे भी हैं, ब्रेड श्रेड सारा कुछ है। चल के नहीं करते बल्कि वो आ पाएगा साढ़े को, मैं तो बहुत थक गया हुआ हूँ। यहाँ पे वाटर टैक्सीज भी खड़ी हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त है, इनकी जो स्ट्रक्चर है बड़ा बेहतरीन है। और यहाँ से व्यू आप चेक करें ज़रा बाइक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करेंगे हम हुमस से, द वन एंड ओनली। ये बड़ी मज़े की और बड़ी एनर्जेटिक चीज़ है। आप यहाँ पे जब वॉक आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है तो हम बस खाते रहते हैं। ये रेस्टोरेंट है भी अरेबिक ट्रेडिशनल, इन्होंने बनाया भी बहुत अच्छा है। जैसे हम अपनी बिरयानी अच्छी बनाते हैं, कढ़ाई अच्छी बनाते हैं, हमारी डिश है हुमस, लाहौर में मिलता है लेकिन इस तरह का नहीं मिलता, बहुत अलग। अजीबो गरीब से कॉम्बिनेशन है। अभी हम निकल रहे हैं दुबई मॉल के लिए और आज है भी वीकेंड तो काफ़ी रश होगा। सुबह बुर्ज खलीफा के टूर के वक्त ये 80% बंद पड़ा था, इसलिए मैंने रात को दोबारा आने का प्लान रखा है। और वैसे भी वाटर शो शाम को ही शुरू होता है। जितने भी लोग आपके सोशल सर्कल में जाते हैं दुबई, इसके सामने ज़्यादातर तस्वीरें खींचते हैं इस बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे ये 2-3 बैकग्राउंड हैं, तो लकीली मैंने भी मिल गई है, तो मैं भी यहाँ खींच लेती हूँ। दुबई मॉल की बिगेस्ट अट्रैक्शन ये एक्वेरियम है। अगर आपने एक्वेरियम की टनल वाला पैकेज लेना हो तो ये 300 दिरहम से स्टार्ट होता है, लेकिन बाहर से देखना फ्री है और 90% लोग यहाँ बाहर से ही देख रहे हैं। दुबई मॉल के अंदर इन्होंने रिसेंटली चाइना टाउन का एक पूरा फ्लोर बनाया है और यहाँ पे क्या ही कमाल किस्म के शॉपिंग मॉल्स हैं। और फूड, जो लोग चाइनीज लवर हैं, जो चाइनीज फूड लवर हैं, वो उनके लिए तो ये है एक मुकम्मल जन्नत है। यहाँ के जो इनका हेरिटेज है, इनका जो कल्चर है, उसकी भी चीज़ें हैं, इवन के मॉडर्निज्म भी यहाँ पे इनका मौजूद है। और पूरा कॉर्नर ही ये चाइनीज़ लोगों का है। लेकिन यहाँ पे जो आ रहे हैं लोग टूरिस्ट, वो
वो चाइनीज नहीं है, वो मिक्स है आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा और अच्छा इन्होंने इजाफा देखा मैंने दुबई बाल में। और ये मेरे ख्याल इसको साल दो साल ही हुए बने यहाँ पे। वाटर शो का वक्त होने वाला है तो बाहर एक हाजिरी दे देते हैं। वैसे वाटर शो में डिफरेंट रीजन्स के सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं, वाटर शो के बाद दोबारा दुबई मॉल के फूड कोर्ट से चाइनीज खाना खाया। और साथ में ट्राई की ये धुएं वाली आइसक्रीम जो कि वन ऑफ इट्स काइंड थी। दुबई टूर में जो आपकी लाजमी लाजमी एक फर्ज चीज है वो आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर ली है। खुशी के इस मौके पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बुर्ज खलीफा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। और दुबई टूर में जब आप आएँ तो इस एरिया में लाजमी आएँ, और अगर आप फैमिली के साथ आएँ तो तुम खिंच के लाएगी क्योंकि दुबई मॉल यहाँ पे है और पीएस चैंग भी यहाँ पे है बाजू का। और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, फाउंटेन शो होता है, शाम में शुरू हो जाता है, शाम दो घंटे पहले, हर आधे घंटे बाद होता है। दुबई मॉल है, अन्नेवा फूड, और इसमें ये इतना महंगा नहीं है, इसमें आपको सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो बुर्ज खलीफा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और आज मैंने वो काम किया है दुबई टूर का जो कि आपने लाजमी करना होता है वरना आपको दुनिया कबूल नहीं करती। और इस एपिसोड के बारे में मुझे रिव्यू दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।